हेलो फ्रेंड्स, आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। अगर आप नवरात्रि के उपवास करते हैं और अपना चाट खाना मिस करते हैं तो फिक्र मत कीजिए, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ झटपट बनने वाली चाट की उपवास वाली रेसिपी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चटपटी रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया है 2 बड़ी चम्मच दही। दही मैंने यहाँ पे खट्टा वाला यूज़ किया है। अगर आपका दही खट्टा ना हो तो इसमें 1/2 बड़ी चम्मच नींबू का रस डाल लीजिए। फिर मैंने इसमें डाला है 1 इंच अदरक ग्रेट कर, 3 हरी मिर्चियाँ जिन्हें मैंने बीच में से कट कर लिया है, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 बड़ी चम्मच नमक, और ये जो सारा मिश्रण है इसे मैंने चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। दोस्तों, मैंने दही का यहाँ पे गाढ़ा वाला दही यूज़ किया है जिसकी वजह से जो मिश्रण है मेरा वो पानी नहीं छोड़ेगा और एक थिक सा पेस्ट बन गया है। फिर मैंने इसमें डाला है 2 मीडियम साइज़ के आलू जिन्हें मैंने पील कर क्यूब शेप में कट कर लिया है। फिर मैंने डाले हैं 100 ग्राम पनीर जिसे मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया है। अब ये जो मिश्रण है इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच की सहायता से, या हाथ से भी मिक्स करेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए, मेरे जो सारे क्यूब्स हैं आलू के और पनीर के, वो मेरे दही वाले मिश्रण से अच्छी तरह से कोट हो गए हैं। इन्हें मैं अब 10 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। 10 मिनट बाद ये जो आलू और पनीर के क्यूब्स है वो मैरिनेट हो चुके हैं। तो चलिए करते हैं अगली प्रोसेस। अगली प्रोसेस के लिए मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच घी जिसे मैंने पैन में डाल लिया है और इसे मैं पूरी तरह मेल्ट होने दूंगी। यहाँ मेरा जो गैस है वो मीडियम फ्लेम पे है। अब मैं जो मेरे मैरिनेट किए हुए आलू और पनीर के क्यूब्स हैं उन्हें इस पैन में डाल रही हूँ। हमने मैरिनेट की हुई मिर्ची भी हमें इसी पैन में डाल लेनी है। हम क्यूब्स और मिर्ची एक साथ ही पकाने वाले हैं। तो जैसे ही मेरे सारे के सारे क्यूब्स इस पैन में डल जाएंगे तो मैं लो फ्लेम कर लूँगी गैस की, और मेरा जो दही का मिश्रण है वो भी मैं संभाल कर रखूँगी, हमें इसे आगे यूज़ करना है। फिर मैंने अपना गैस का फ्लेम कर लिया लो और अभी मैं इसे ढक लूँगी और 10 मिनट पकने दूँगी। 10 मिनट बाद मैंने अपना जो ढक्कन है वो निकाला और इसे अच्छी तरह से चम्मच चलाकर हिला लिया है। अब जब ये मिश्रण मैंने अच्छी तरह से हिला लिया और मेरा जो मिश्रण है वो सारे साइड से इवनली पक जाएगा, तो मैंने जो दही वाला मिश्रण रखा था वो मैं पूरी तरह से इसमें डालूँगी। यहाँ पे जो दही है यही इसे एक खट्टा सा स्वाद देता है इस वाली रेसिपी को। दही डालने के बाद भी चम्मच चलाकर एक बार फिर पूरे क्यूब्स को मिक्स कर लीजिए और इन्हें ढककर 10 मिनट के लिए पका लीजिए। 10 मिनट बाद देखिए, मेरा जो दही है वो पूरी तरह से सूख चुका है पूरा, और आलू जो है वो मैं चेक कर रही हूँ वो भी पक चुका है। तो मैंने अपना मिश्रण जो है वो निकाल लिया प्लेट में ठंडा होने के लिए, और थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसे बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने ली है छोटी टूथपिक्स, और उसमें मैंने लगाया अपनी हरी मिर्ची, फिर आलू का क्यूब, फिर पनीर का क्यूब और एप्पल का क्यूब। एप्पल जो है मैंने यहाँ पे 1 एप्पल का यूज़ किया है जिसे मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया है। अब जो है पहली जो आलू पनीर एप्पल स्टिक है वो बनकर तैयार है। तो इसी तरह मैंने बाकी सारी बना ली। तो देखिए दोस्तों, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।